से और बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजन लाल के दिल्ली दौरे की। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भजन लाल शर्मा। जोधपुर हाउस से नड्डा के आवास पर सीएम पहुंच चुके हैं और अब यहां होगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। ये तस्वीर उस वक्त की जब सीएम भजन लाल शर्मा अपनी गाड़ी से निकले और फिर पहुंच गए जेपी नड्डा के आवास पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए सीएम पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा अब होगी। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर और संभावित नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल अब वो नाम, वो चेहरे जिन पर अब इस चर्चा के दौरान मुहर लग जाएगी, उनके पास कॉल्स जाएंगी और फिर उनसे कहा जाएगा कल जयपुर में राजभवन में मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए, शपथ लेने के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा अब होगी। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। निजाम, अपडेट क्या? सीएम भजन लाल जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे, गहन मंत्रणा चल रही होगी, चर्चाओं का दौर जारी होगा, क्या कुछ चल रहा है? देखिए बिल्कुल सुमित, जिस दौरे के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक का इंतजार किया जा रहा था वो करीब आधे घंटे से कह सकते हैं जेपी नड्डा के आवास पे, जो मोतीलाल नेहरू मार्ग पर हैं, इस आवास के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो कहें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जो बैठक है उसको करीब आधा घंटा हो चुका है। आप देखेंगे तो बिल्कुल अगर कहें 9:27 पर जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद से ही दोनों के बीच, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में बैठक शुरू हो गई और वो करीब आधे घंटे अब हो चुका है जब मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन नामों पर चर्चा कर रहे हैं जो कि कल मंत्रिमंडल का चेहरा होने वाले हैं। यानी कि अंतिम कवायद के रूप में देखा जा रहा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस दौरे को, जब वो कल अपने सब मंत्रियों के साथ, अपनी टीम के साथ, कह सकते हैं मंत्रिमंडल के नए चेहरों को सबके सामने लाएंगे। उन चेहरों पर क्लैरिटी होने से पहले एक आखिरी कवायद है ताकि अपनी टीम और हाईकमान के द्वारा जो दिए गए निर्देश या उनके जो नाम हैं उनके बीच एक तालमेल बैठाया जाए, खासतौर से जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और साथ ही लोकसभा चुनाव को टारगेट में लेकर कैसे युवाओं के साथ साथ अनुभव का समावेश हो, महिलाओं के साथ साथ अगर कहे तो जातीय समीकरण को, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आखिरकार वो बैठक अभी इससे पे अगर बात करें भजन लाल शर्मा से, जैसे ही वो पहुंचे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो यहां से निकले हैं, यानी राजस्थान से पहले जो मुख्यमंत्री थे मोहन यादव वो करीब 1 घंटे तक यहाँ रहे और 9:30 से जो है भजन लाल शर्मा की जो बैठक है वो शुरू हुई। पहले ये बैठक 8:30 का कहा जा रहा था, 8:30 का समय था, लेकिन फिर बाद में ये समय बदला और 9:30 का ये समय है। तो अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि वो कब तक आखिर ये बैठक चले। संभवतः चूँकि इसमें समय लग सकता है तो अभी मुमकिन 9:30 शुरू हुई, आधे घंटे का वक्त हो चला है और अब इसमें उन नामों पर चर्चा होनी है जो कल राजस्थान के मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे। चर्चाएं बहुत कुछ है लेकिन फिलहाल इस बैठक पर नज़र रहेगी सभी की कि आखिर कौन से वो नाम हैं जो हाईकमान की ओर से जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं। फिलहाल जो पूरे 15 दिन में जो कवायद की है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा थे वो सारा कुछ लेकर, डिटेल लेकर, अपडेट लेकर, वो अपने लिस्ट लेकर टीम की यहाँ पहुँच चुके हैं और अब उसमें से कौन से चेहरे को फाइनल होगा और कौन से चेहरे अभी कह सकते हैं गठजोड़ सकते हैं वो कल सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और ये देखिए 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग, ये वो जगह है मेरे सहयोगी निज़ाम के पीछे आप देख पा रहे हैं जहाँ से, जहाँ पर वो जादू का पिटारा खोला जाना है निज़ाम, और जहाँ से उन संभावित चेहरों के नाम पर मुहर लग रही है, लॉटरी निकलेगी उनके नाम की और इंतज़ार सभी को होगा। नज़रें इसी आवास पर सबकी होंगी, नज़रें जी राजस्थान पर सबकी होगी कि कब वो नाम हवा में तैरते हुए इस घर से, इस आवास से बाहर निकलें। कौन कौन से वो संभावित नाम है निज़ाम, क्या कुछ अब आप तक खबर पहुंची इस मीटिंग के दौरान? कौन कौन से वो संभावित नाम है जिन पर चर्चा की जा रही है, जिन पर एक एक कर स्टाम्प मुहर लगाई जा रही है?
सुमित देखेंगे, अब हमें इस पे चर्चा करें उससे पहले उस दिन का भी एक बार वापस हम वाक्या करते हैं जब हम मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए इसी जगह पे खड़े होकर कई नाम गिना रहे थे और कई वरिष्ठ नाम थे, और लेकिन हमारे हमारे हर चर्चा के बाद एक लाइन जरूर जुड़ती थी कि ऐसा नहीं हो कि कोई चौंकाने वाले नाम हो, तो वही चीजें जो है। लेकिन निजाम यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी राजस्थानी वो चैनल था निजाम जिसने सबसे पहले ये बता दिया था कि भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लग सकती है, और आज भी हम अपने वादों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं निजाम। बिल्कुल, मैं यही आगे कहने जा रहा था कि जिस तरीके से सारी चीजें होती है और उसके बावजूद हमने वो चीजें दिखाने की कोशिश की, तो आज भी हम जो नाम बता रहे हैं उनमें से कई जो चीजें हैं क्लियर। अभी देखें, अगर तो हम लगातार कह रहे हैं कि कम से कम 18 मतलब जो अगर कहें तो 30 का जो अगर देखें 200 का 15% 30 बन सकते हैं मंत्री, और 3 चूंकि मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री हैं तो 27 अगर कहें तो रिक्त हैं पद जिसपे कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। और जो चर्चाएं चल रही है वो यही है कि 1820 कम से कम 1820 मंत्री तो कम से कम बनाए जा सकते हैं कल, और उसके बाद देखा जाए क्या स्थिति, लेकिन कम से कम 18-20 मंत्री तो यूं हो संभवतया लोकसभा चुनाव को लेकर 3-4 पद खाली रखे जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है मंत्री, जैसा कि दूसरे राज्यों की बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो एक तिहाई मतलब यानी कि 75% तक तो बनाए हैं, तो संभव यही है कि कल जो है 75% तक जो है यानी 18 से 23, 20, 21 के आसपास जो है मंत्री यहाँ भी बना दिए जाए, और उनमें जो तमाम क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, युवा और महिला, और जिस तरीके से देखिए कि बातें लगातार कही जा रही है उनमें वो भी नाम जो दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज है, चाहे किरोड़ी मीणा जिनको कि सीएम का उम्मीदवार माना जा रहा था, फिर डिप्टी सीएम का उम्मीदवार माना गया, लेकिन जब इस तीनों के खांचे में वो नहीं आ पाए तो अब यही माना जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल की बात कर रहे हैं, ठीक है निजाम आप नजरें बनाए रखिएगा और इशारा कीजिएगा, हम आपके पास फिर से आएंगे अगर कुछ ऐसे नाम आपके पास आते हो, कोई बड़ी खबर आपके पास आती हो। फिलहाल शुक्रिया निजाम, तमाम